नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मैंने ये ब्लूटूथ स्पीकर मंगवाया फ्लिपकार्ट से। ये सबसे कम प्राइस का मुझे लगा फ़िलहाल में तो 699 का, और ये कॉम्पैक्ट भी है, बहुत ही छोटा सा है और ये कोई ब्रांड का नहीं है, तो लोकल कोई रिटेलर जो है सो सेल में था तो मैंने इसे ख़रीद लिया। तो चलिए देखते हैं ये स्पीकर कैसा है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बाद में इसका रिव्यू लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स से और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो ये पहला तो एक कवर कर रखा है, और उसके बाद ये फ्लिपकार्ट का जो होता है टेपिंग के साथ कवर ही वो, तो बस मैं इसे कट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसे अनकवर कर लिया और अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिकली एक स्पीकर है, रेड कलर मैंने चूज करा था, और एक बेस वायर, और इसमें ऑक्स वायर भी है। ऑक्स जो है सो आई मीन मिनी माइक्रो यूएसबी से है, और एक साथ में यूएसबी दे रखा है जिससे आप चार्जिंग कर सकते हो। तो इसमें कोई अलग अलग पोर्ट नहीं है, बस ओनली एक माइक्रो यूएसबी है एंड एक यूएसबी और एक ऑक्स के लिए। ठीक है, और ये ब्लूटूथ स्पीकर मैंने बेसिकली इसीलिए चूज करा था क्योंकि इसमें एक बैटरी जो है सो एक्सटर्नल बैटरी के टाइप में लग रहा था, तो मैं बैटरी कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये सिंपल नोकिया का जो बैटरी है B4L आई थिंक याद नहीं मुझे, यही है। तो ये बैटरी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बटन से ऊपर पावर बटन है, ब्लूटूथ बटन है एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे ऑक्स से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ऑक्स से कनेक्ट कर लिया है, और ये देखिए दोस्तों मैंने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया और ये साउंड जो है सो यहाँ से प्ले हो रहा है। ब्लूटूथ से भी हम इसे प्ले कर लेते हैं एक बार। तो चलिए प्ले करते हैं। ठीक है,